मैं बता चुका हूं कि इनकी पत्नी कृष्णचंद्र महापात्र की सती साध्वी पतिव्रता नारी थी कमला देवी। पतिव्रता नारी थी कमला, पति संग में हो सती गई। घर जमीन दे कर्ज उतारा, पत्नी नैहर चली। पिताजी सिर छोड़ गए, माताजी सती हो गई, पति पत्नी घर में अन्नपूर्णा और अरगुनाथ। जमीन बेच दी, कर्ज उतारा, पिता की अंतिम इच्छा पूरी की, उससे भी पूरा कर्ज नहीं उसका हुआ पूरा। फिर रहने की हवेली वो भी बेचनी पड़ गई। इसने अपने ससुर गंगाधर से कहा भी था कि जमीन तो हमारी सब बिक गई है खेती बाड़ी की, रहने का ये हवेली महल मकान रह गया, कर्जा अभी पूरा उतरा नहीं, थोड़ा रह गया। तो गंगाधर वो भी बहुत बड़ा सेठ था, सात भाई थे अन्नपूर्णा के, पिता सेठ, कोई कमी नहीं घर में। लेकिन गंगाधर ने कोई सहायता नहीं की, ससुर ने जमाई की बेटी की कोई सहायता नहीं की। फिर अंत में मकान भी बिक गया, यह छवा की कर्जा चुक गया, कुछ कर्जा अब सिर पे नहीं रहा, सुख की सांस ली। रोटी भले सूखी खा लेना, लेकिन कर्जा सिर पर रख कर नहीं। सर पर कर्जा रख करके जो व्यक्ति चिकनी चुपड़ी खाता है उसे ब्लड नहीं बनता, उसे शांति नहीं मिलती, सुख की नींद नहीं सो सकता। कर्जा सिर पे रख करके कुछ लोगों को आदत होती है बढ़िया खाना, ऐश आराम करना, कर्जे पे कर्जा लेते रहेंगे, ब्याज देते रहेंगे, जितना कमाते हैं सब ब्याज में चला गया, मूलधन वहीं का वहीं रहता है, फिर टेंशन करते हैं। जिसके सिर पे कर्जा होता है उसका मन भगवान में भी नहीं लगता, इसलिए देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी। कर्जा तो नहीं है ना, व्यक्ति इज्जत की जिंदगी जिए, निश्चिंत तो होकर जिए, गरीब भी सुख की सांस लेगा, चैन से सोएगा यदि उस पर कर्जा नहीं। और अमीर कर्जदार होगा, रात को करवट बलते समय हल्की सी आंख भी खुल गई वही चिंतन कर देगा, उसको मैंने 25 तारीख दी है, अब वो आएगा 25 तारीख को, अब क्या होगा, वही टेंशन। कम से कम जो भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, चिंतन में खोना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो गरीबी स्वीकार कर ले, लेकिन चिकनी चुपड़ी रोटी मत खाए कर्जा लेकर के, सिंपल कपड़े पहन ले। लोगों को हम बढ़िया दिखाएंगे उससे इज्जत नहीं बनती, हमारा बढ़िया देख के तो लोग चिढ़ जाते हैं, बढ़िया स्वभाव होगा तब लोग इज्जत करते हैं। बढ़िया खाओगे लोग इज्जत नहीं करेंगे, बढ़िया पहनोगे उससे इज्जत नहीं होती, बढ़िया मकान बनाओगे उससे इज्जत नहीं होती, जब तुम बढ़िया व्यवहार करोगे उससे इज्जत होती है। और व्यवहार करने में पैसा नहीं लगता, खून पसीना नहीं बहाना पड़ता, थोड़ा झुक के रहो, विनम्रता पूर्वक आत्मवत उनसे व्यवहार करो। जिस व्यवहार को तुम अपने प्रति नहीं चाहते ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति भी मत करो, जैसा व्यवहार तुम अपने प्रति चाहते हो कोई ऐसा व्यवहार हमसे करे तो वैसे फिर उनसे करना सीखो। यदि तुम इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो, सम्मान पूर्वक समाज में रहना चाहते हो, प्रेम पूर्वक रहना चाहते हो, तो अच्छा व्यवहार करना सीखो।
अरे तुम्हारा अच्छा मकान बन गया ना, कई मंजिल हवेली कोठी बना ली, तो मत सोचो तुम्हारी इज्जत बनी है। लोग अंदर से चिढ़ते हैं, द्वेष करते हैं। तुमने शादी पे लाखों रुपए खर्च कर दिया, भले खर्च किया, उसे इज्जत नहीं बनी तुम्हारी, बल्कि लोग तुम्हारे परिवार वाले रिश्तेदार उल्टा चिढ़ गए कि हमसे आगे क्यों है। तो तुमने प्यार थोड़ी उनका पा लिया बढ़िया शादी करके, और तुम्हारी किसी भी सब्जी में नमक थोड़ा भी कहीं कम हुआ, या शादी की स्टाल पे कोई चीज हल्की भी कम होगी तो उनको तो बहाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वैभव देख करके सब सड़ गए, चिढ़ गए, कुड़ गए हैं कि हमसे बढ़िया शादी क्यों करती। तुमने तो दुश्मन बना लिया उनको। भले तुम्हारे पास कितना पैसा क्यों ना हो, तुम शादी में उतना ही खर्च करोगे जितना आम लोग करते हैं। फालतू नहीं दिखाना कि उससे आगे मैं करके दिखाऊंगा। मकान भी वैसा बनाना जिस माहौल में तुम रहते हो, उस माहौल में जैसे तबके के लोग हैं उसी ढंग से उसके अनुसार कोठी मकान बनाना। अगर उनसे बढ़िया बना लिया तो सब चिढ़ने लग जाएंगे, और घटिया बना लिया तब भी लोग प्यार नहीं करेंगे। ना लोग घटिया से प्यार करते हैं, ना लोग अपने से बढ़िया से प्यार करते हैं। प्यार किससे करते हैं? बराबरी वाले से प्यार करते हैं। प्रेम हमेशा बराबर वालों में रहता है, इसलिए किसी से छोटा बन के भी नहीं रहना और बड़ा बन के भी नहीं रहना। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्जा उठा लेंगे लेकिन शादी ठाट से करेंगे, इतना खर्चा कर देंगे, उसे तुम्हारा लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि अंदर अंदर तुमसे सड़ेंगे, तुमसे कूड़ेंगे। ये जीने का तरीका बता रहा हूं। यदि तुमको इज्जत की मान सम्मान की ज्यादा भूख है, सबसे बढ़िया उपाय बताता हूं, इतना सम्मान लोग करेंगे तुम्हारा। क्या? बस तुम हाथ जोड़ना सीख लो, सर झुकाना सीख लो, अच्छा व्यवहार करो, सबको सम्मान दो, सबको प्रेम दो। इसके बाद भी कहीं लोग तुमसे चिढ़ेंगे तो अपना ड्रामा खुद बनाएंगे, उल्टा लोगों की नजरों से लोग गिरेंगे जो तुमसे चिढ़ेंगे।